Chucky B. ओप्पो A1 5G जो कल ही लॉन्च हुआ है, फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, मिड सेगमेंट 5G प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा, स्टनिंग इन डिजाइन, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं ओप्पो A1 5G का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो कल ही लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और क्या की वो देखने के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये है ओप्पो A1 5G का व्हाइट कलर में बॉक्स और ये 12 गीग्स ऑफ रैम एंड 256 गीग्स ऑफ स्टोरेज वेरिएंट है। कंपेयर टू ओप्पो A1 Pro इसकी प्राइस थोड़ी कम है, हालांकि दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। और मैंने ऑलरेडी ओप्पो A1 Pro का अनबॉक्सिंग और डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। बेसिकली ओप्पो A1 5G उन यूजर्स के लिए है जो मूवीज वगैरह देखते हैं। बॉक्स के प्लास्टिक को यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं और लीड को ओपन कर लेते हैं, तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स में क्लियर केस, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। और ये है ओप्पो A1 5G फोन और ये 67 वाट का पावर एडाप्टर और ये व्हाइट कलर में टाइप सी टू ए केबल, बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है। फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। फोन यहाँ पे ब्लैक कलर में मिल जाता है, इसके अलावा ब्लू और लेदर ऑरेंज कलर भी मिल जाएंगे। बैक को टच करने पे यहाँ पे मैट फिनिश फील मिल जाती है और टेक्सचर्ड भी देखने को मिलते हैं। फोन में फ्रेम फ्लैट मिल जाती है और डिस्प्ले भी फ्लैट मिलती है। फ्रंट देखे तो सेल्फी के लिए सेंटर पंच होल कैमरा मिल जाता है और इस बार फोन में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बैक में कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं, राउंडेड मिल जाता है जहाँ पे दो कैमरा लेंस मिलते हैं और एक LED फ्लैश मिलती है। वैसे मॉड्यूल में डबल रिंग डिजाइन मिलती है और रिंग में टेक्सचर्ड भी मिल जाते हैं। और कैमरा मॉड्यूल के नीचे डेकोरेशन मिल जाता है जहाँ पे इनोवेटिव AI कैमरा मेंशन किया है। फोन का बैक स्लाइटली कर्व्ड मिल जाता है तो ग्रिप भी अच्छी मिलेगी। फोन के राइट में पावर बटन मिल जाता है जो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। वही फोन की थिकनेस 8.2 mm की है। फोन में अच्छे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। ओवरऑल फोन की इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी मिलती है, सिंगल हैंड से आसानी से होल्ड कर पाएंगे और वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, 191 ग्राम्स का ही है ये फोन। फोन को कर लेते हैं स्टार्ट, तो फोन यहाँ पे कलर OS 13.1 पे चलता है जो एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। एज आई सेड बिफोर फोन में 12 गिग्स ऑफ रैम एंड 256 गिग्स ऑफ स्टोरेज मिल जाता है और स्टोरेज UFS 2.2 मिलेगा। फोन में प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 मिल जाता है जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। फोन में डिस्प्ले देखे तो 6.72 इंच की फ्लैट स्क्रीन मिल जाती है और ये IPS LCD डिस्प्ले है। रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ की मिलती है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्क्रीन में बेजल्स भी पतली मिलती है, चीन स्लाइटली बड़ी देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले में P3 कलर गमूट भी मिल जाता है। ओवरऑल फोन में डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। फोन में गेम मीडियम सेटिंग पे खेल पाएंगे, वैसे हाई एंड गेम के लिए ये फोन नहीं बना है। फोन में मैक्स वेरिएंट 12 गिग्स ऑफ रैम एंड 256 गिग्स ऑफ स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। वैसे रैम ज्यादा है तो मल्टीपल एप्स आसानी से एक साथ हैंडल कर पाएगा। ओप्पो A1 5G में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ नहीं आता है। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है और कैमरा कॉन्फ़िगरेशन इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा कह सकते हैं। ओप्पो A1 5G में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। फोन में स्क्रीन बड़ी मिलती है तो बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन होल डे एवरेज यूज करने के बाद भी 20-30% बैटरी रह जाती है, सो दैट इज मोर देन इनफ। फोन को चार्ज करने के लिए 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो बैटरी को 30 मिनट्स में ही 0-76% तक चार्ज कर देता है। ओप्पो A1 5G की प्राइस की बात करें तो चाइना में 12 गिग्स ऑफ रैम एंड 256 गिग्स ऑफ स्टोरेज की प्राइस 1999 चीनी युआन है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो रफली 23,800 तक होती है। कंक्लूजन पे आया तो फोन में डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, कैमरा भी इस प्राइस पॉइंट पे एवरेज है और परफॉर्मेंस भी एवरेज कह सकते हैं। डे टू डे टास्क आसानी से चलेगी यहाँ पे। मल्टीमीडिया यूज़ के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और मल्टीमीडिया यूज़ के लिए फ़ोन लेना है तो आप ओप्पो A1 5G को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ओप्पो A1 5G के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन और लीक्स, लॉन्च डेट और टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले। लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।